दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच हुए आईपीएल के सातवें मैच में गुजरात टाइटंस को चेन्नई सुपर किंग्स ने 63 रनों से हरा दिया, जहां गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। पहले बैटिंग करने आई चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से उनके ओपनर्स ने जबरदस्त शुरुआत दिलाई, जहां ऋतुराज गायकवाड़ ने 46 रनों की पारी खेली। वहीं रचिन रविंद्र ने भी 46 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली। अजिंक्य रहाणे सिर्फ 12 रन बना पाए। शिवम दुबे ने सबसे ज्यादा 51 रन की पारी खेली, वो भी सिर्फ 23 गेंदों पर 2 चौके और 5 छक्कों की मदद से। डैरिल मिचेल 24 रन बनाकर चलते बने। वहीं सीएसके की ओर से अपना डेब्यू मैच खेल रहे समीर रिजवी ने 6 गेंदों में 14 रन बनाकर 20 ओवर्स में चेन्नई का स्कोर 206 रनों तक पहुंचा दिया। 206 रनों का विशाल लक्ष्य चेस करने उतरी गुजरात टाइटंस की टीम की शुरुआत कुछ खास नहीं रही, जहां कप्तान शुभमन गिल सिर्फ 8 रन बनाकर ही चलते बने। लेकिन रिद्धिमान साहा क्रीज पर डटे हुए नजर आ रहे थे, लेकिन वो भी 21 रन बनाकर आउट हो गए। जिसके बाद साई सुदर्शन ने एक बार फिर से 37 रन बनाए, लेकिन विजय शंकर के 12, डेविड मिलर के 21, उमर जाई 11 रन बनाकर, राहुल तेवतिया 6 रन बनाकर और राशिद खान 1 रन बनाकर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए। गुजरात टाइटंस महज 20 ओवर्स में 143 रन ही बना पाई। चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से 23 गेंदों पर 51 रन की जोरदार पारी खेलने के लिए शिवम दुबे को मैन ऑफ द मैच चुना गया।